Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट दोस्त फ्रॉम Ecom-Tech का तड़का। और आज का वीडियो दोस्तों दिवाली के बारे में है। अगर आप दिवाली में सेल करना चाहते हैं, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, कुछ भी हो, इस सेल में आप अपना सेल डबल कैसे कर पाएंगे, कैसे नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे और कैसे रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर पाएंगे, इसके बारे में कुछ टिप्स आज देने वाला हूं यहां पे। और ये प्योरली वो टिप्स हैं जो मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं और मैंने बहुत सारे जो होलसेलर्स हैं या ऑनलाइन सेलर्स हैं वो यूज करते हैं, उनके टिप्स मैं आपको आज बता रहा हूं। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज कर लीजिएगा और बेल बटन को भी हिट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोज आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे सारे पॉइंट्स से। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे है मेरे पास 8-10 पॉइंट्स, ठीक है, जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है ट्राई टू मेक अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। अगर आप ऐसे ऑनलाइन सेलर हैं या फिर होलसेलर हैं जो कुछ भी बेचते हैं, ठीक है, होलसेल में कुछ भी, तो फिर आप ट्राई करिए कि आपको हर एक प्रोडक्ट का सोर्सिंग अभी से ही मिलना शुरू हो जाए। मतलब कहाँ पे क्या मिलता है वो आपको अभी से ही पता चल जाए, कहाँ से क्या रेट में मिलेगा और आप क्या ऑफर कर पाएंगे, उसकी पूरी तैयारी आपके पास अभी से हो, ठीक है। क्योंकि दिवाली जब जैसे जैसे क्लोज आती जाएगी वैसे जैसे उसके रेट्स भी शायद और बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अभी से आप पता लगाइए कि कहाँ पे क्या चीज़ मिलता है, पूरी तैयारी रखिए, जैसे हमने भी करके रखी है। आप में से बहुत सारे लोग जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में हैं हमारे, उनको पता होगा कि हमने एक फोल्डर बनाया है जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स डाल रखे हैं और वहाँ पे हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स डेली ऐड करते रहते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेज टू कीप योर कस्टमर्स इन्फॉर्म्ड कि कितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। अब उसमें करीबन 800 से 1000 प्रोडक्ट्स हैं। वैसे आप भी अपने कस्टमर्स को क्या ऑफर करने वाले हैं इस दिवाली, एक पूरा लिस्ट बना के रखिए कैटेगरी वाइज कि ये सारे प्रोडक्ट्स आप अपनी तरफ से ऑफर कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे, मेक योर वॉइस रीच आउट टू एवरी बायर, ठीक है, वो ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो। आप जो भी प्रोडक्ट्स आपके पास है उनकी खबर सामने वाले को होनी चाहिए। अगर ऑनलाइन बेच रहे हैं तो ऑनलाइन में भी उनको खबर होनी चाहिए। कैसे उनको खबर पड़ेगी, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अभी एग्जिस्टिंगली, तो उसमें आप उनको एक छोटा सा पेम्पलेट डाल सकते हैं कि यू आर ऑल्सो डीलिंग इन दीज प्रोडक्ट्स, ठीक है, ताकि वो आपकी लिस्टिंग चेक कर सके अमेजोन में। अगर आप चाहे तो उनको मेल भी कर सकते हैं अमेजोन में ही, अमेजोन के ही थ्रू उनको इंडिविजुअली भी मेल कर सकते हैं आपके कस्टमर्स को। ऑफलाइन है तो फिर आप उनको व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स आपके पास है फॉर दिस दिवाली विच दे कैन बाय फ्रॉम यू। तीसरा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे कॉम्बोज। अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कॉम्बोज में बहुत अच्छे बिकते हैं, जैसे ड्रिल मशीन है तो उसके साथ ड्रिल बिट भी हो गई, तो वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसका आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और बेच सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन ये फॉर्मूला कहीं पर भी काम करता है। आपके पास टाइम है तो ये कर रहा है, अगर टाइम है ही नहीं, आप बहुत बिजी हैं ऑलरेडी, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। ये अच्छी बात है कि आपका बिजनेस चल रहा है, बट अगर इन केस आपको जरूरत पड़ती है कॉम्बोज क्रिएट करिए और कॉम्बोज में भी देखिए इफेक्ट कैसा आता है। प्राइस भी वहां पे आप थोड़ी सी एडजस्ट कर पाएंगे, कमीशन भी कंपैरेटिवली उतना ही रहेगा बट शिपिंग चार्ज कम हो जाएगा, तो सामने वाले जो कस्टमर्स है उनको भी अफोर्डेबल लगेगा थोड़ा सा। तो उसके फायदे भी बहुत सारे हैं कॉम्बिनेशन बनाने के, तो कॉम्बोज आप जितने चाहे उतने बना सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स को मिक्स करके। चौथा पॉइंट है दोस्तों ऑफर बल्क डिस्काउंट्स। अब जितने भी बायर्स हैं आपके, अगर वो प्रोडक्ट क्वांटिटी में ले रहे हैं तो उनको आप डिस्काउंट का भी पहले से बता के रखिएगा कि डिस्काउंट मिलेगा अगर आप बल्क में लेंगे तो। अब कितना डिस्काउंट मिलेगा वो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि आपका प्रॉफिट कितना बैठता है 10 पीस पे, अगर 100 पीस लेता है तो कितना प्रॉफिट बचता है, उसमें से आप कितना उसको कॉम्प्लीमेंट्री एडिशनल दे सकते हैं, ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। छोटा सा आपको हिंट दे देता हूं, अगर 10 पीस में आपको 100 रुपए मिल रहे हैं और 100 पीस में आपको 1000 रुपए मिल रहे हैं तो आप 2 पीस कॉम्प्लीमेंट्री उनको और एडिशनल दे सकते हैं। मतलब ये जस्ट मेरा एक सुझाव है, ऐसा आप कर सकते हैं। अगर आपको सेल ज्यादा लाना है तो ये सारे स्कीम्स जो हैं, ये सारे ऑफर्स जो हैं वो ज्यादा सेल्स लाने के लिए है और नए बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट के बारे में भी मत भूलिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दीजिएगा बल्क बायर्स को अगर वो लोग आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं। वन टाइम है तो भी कोशिश करिए, क्योंकि वन टाइम है तो वो रेगुलर भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि गिफ्ट ऐसी चीज है जो लोग याद रखते हैं कि हाँ मेरे को एक गिफ्ट मिला था, कहाँ से मिला था। अगर बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं किसी को तो वो भूल जाता है, जाहिर सी बात है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे आप स्कीम्स भी कर सकते हैं। बहुत सारे होलसेलर्स हैं जो स्कीम्स रन करते हैं, जैसे कि अगर 100 पीस लिया तो इतना डिस्काउंट, 20 पीस लिया तो इतना, 30 पीस लिया तो इतना, प्लस वो लोग वेकेशंस हैं, टूर है,
ठीक है, हॉलीडे पैकेजेस है, वैसा भी ऑफर करते हैं अप टू 5 पीपल, मतलब टॉप 5 बायर्स जो है उनको वो ऑफर करते हैं। वो अमेजोन सेलर्स के लिए भी अमेजोन रन करता है। ऑब्वियसली अमेजोन क्यों रन करता है, मोटिवेट करने के लिए करता है कि आप ज्यादा सेल करोगे, वैसे ही आपके बायर्स आपसे ज्यादा परचेस करेंगे, उनको मोटिवेट करने के लिए आप ऐसा एक स्कीम भी उनको दे सकते हैं। छठा पॉइंट है यहाँ पे, अगर आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं यहाँ वहाँ से कुछ भी लेके, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे यूनिक रखिए जो जल्दी कहीं पर भी अवेलेबल ना हो, ठीक है। यूनिक प्रोडक्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं टू गेट मैक्सिमम मार्जिन आउट ऑफ इट, मतलब जो प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं कस्टमर्स को, जो आपका क्लाइंट बेस है, उन्हीं को आप ये प्रोडक्ट्स बेच के एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ज़्यादा प्रॉफिट हमें नहीं मिलता है। बट ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स अगर कुछ होते हैं जो रिसेंटली आए हैं कहीं से भी या मैन्युफैक्चर हुए हैं, तो उसमें आप एडिशनल मार्जिन अर्न कर सकते हैं। और दिवाली इज़ द राइट टाइम बिकॉज यहाँ पे लोग लेते हैं, अगर पैसे हैं लोगों के पास, प्रोडक्ट अच्छा लगा दिखने में, प्रोडक्ट ले लेंगे कस्टमर। तो सिंपल होता है, उतना हार्ड नहीं होता है दिवाली के टाइम सेल्स करना। सातवां पॉइंट यहाँ पे दोस्तों, जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, उन पे आप थोड़ा सा मार्जिन लोअर भी रख सकते हैं टू अक्वायर न्यू कस्टमर्स, ठीक है। इनिशियली लोअर रखे, अक्वायर न्यू कस्टमर्स। अब टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसकी प्राइस ऑलरेडी बहुत कॉम्पिटिटिव होती है मार्केट में, हम 2% 3% 5% पे भी बिजनेस करते हैं, कभी कभी अगर कुछ रिटर्न आता है या डिफेक्टिव होता है तो वो भी चला जाता है। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं तो हमें इश्यू नहीं है। अगर आपके पास कस्टमर्स कम हैं, इन दैट केस यू कैन इग्नोर दैट मार्जिन, ट्राई टू कैप्चर न्यू कस्टमर्स। जैसे कि अब कोई भी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी आप देख लीजिए, इनिशियली एडवर्टाइजमेंट्स में मार्केटिंग पे कितना पैसा खर्च करती है, वो जितना अर्न करती है उससे ज़्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट्स में खर्च करती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट ट्रिक्स विच यू कैन यूज़, लाइक आप ऑफर करिए सेम प्राइस में, कस्टमर आपका एक अपने पास चलाएगा, जिनको आप दूसरे प्रोडक्ट्स बाद में बेच के एडिशनल मुनाफा अर्न कर सकते हैं। लेकिन वो कस्टमर कहीं और ना चला जाए, उसको मैनेज करने के लिए या फिर उसको इंश्योर करने के लिए आप कस्टमर को बांध के रख सकते हैं थ्रू सम टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स। लेकिन ये तभी करना है अगर आप नए हैं, अगर आपका बिजनेस एकदम स्मूथली चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सारे ट्रिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट है, जब वो जुड़ेगा तब वो जानेगा, ठीक है। जब तक वो जुड़ेगा नहीं आपके साथ, तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि आप क्या ऑफर कर रहे हैं, कितने में ऑफर कर रहे हैं। एक बार वो जुड़ेगा तो आप उनको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप क्या प्रोडक्ट्स उनको दे सकते हैं, कितने में दे सकते हैं, तभी ना बात आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों जब तक वो जुड़ेंगे नहीं तब तक वो जानेंगे नहीं। और एक चीज़ आप कर सकते हैं ड्यूरिंग दिवाली, आप जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, दूसरी कंपनीज होती हैं, इंडियन कंपनीज होती हैं, उनको भी आप अप्रोच कर सकते हैं थ्रू मेल, बाई कॉल, पर्सनली विजिट करके भी, टू गिव देम गिफ्टिंग ऑप्शंस। अगर गिफ्टिंग ऑप्शंस, बहुत सारी कंपनीज, आपको पता है हर एक कंपनी गिफ्ट देती है अपने एम्प्लॉयज़ को ड्यूरिंग दिवाली, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इफ़ यू क्रैक दिस डील वेल इन एडवांस तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। लेकिन उसमें पैसा थोड़ा अटक जाता है, क्योंकि समटाइम्स दे डोंट पे फॉर 15 डेज, 20 डेज, 40 डेज, डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होता है बहुत हाई लेवल ट्रांजैक्शन होता है, इफ़ यू कैन मैनेज दैट अमाउंट फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक लॉट ऑफ कंपनीज विल बी रेडी टू गिव यू दैट कॉन्ट्रैक्ट फॉर गिफ्टिंग पर्पस, सो आई थिंक इट्स वर्थ ट्राइंग। और लास्ट में दोस्तों, एक आप लकी ड्रॉ विनर भी रख सकते हैं, ठीक है, फॉर द ऑनलाइन बायर्स, फॉर द ऑफलाइन बायर्स, डिपेंड्स हाउ यू वॉन्ट टू डू इट, लकी ड्रॉ विनर। और ये इन्फॉर्मेशन जो है हर एक बायर के पास पहुँचनी चाहिए कि आपने एक लकी ड्रॉ रखा है जिसमें उनको ये इनाम मिलेगा। अब इनाम में कुछ भी हो सकता है भाई, लंदन पेरिस की टिकट भी आप देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे उल्लासनगर का भी आप एक ट्रिप अरेंज करवा सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन ऐसा कोई अरेंजमेंट आप कर रहे हैं तो आवाज़ उनके तक पहुँचनी चाहिए कि ये ऑफर आप दे रहे हैं उनको, सो दे विल कीप दैट पॉइंट इन माइंड कि हाँ चलो शायद हम ही लकी विनर वो हो जाए। तो ऐसा है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों, कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। शायद इसमें से हर एक पॉइंट तो आप इम्प्लीमेंट ना कर सके, लेकिन एक दो पॉइंट भी इम्प्लीमेंट किया और आपका सेल अच्छा हुआ, आई थिंक इट्स वर्थ फॉर इट, ठीक है। डेफिनेटली इसमें से मैं भी बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो ट्राई करूँगा और इम्प्लीमेंट भी करूँगा, और जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनको भी मैं इन्फॉर्म रखूँगा मेरी तरफ से भी। आप भी कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं, आपके भी क्लाइंट्स को इन्फॉर्म रख सकते हैं और एक अच्छा कनेक्शन उनके साथ बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दैट्स इट, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।
Thank you.